धरती पर अगर कहीं जन्नत की बात की जाए तो सबसे पहले जुबा पर नाम जम्मू कश्मीर का आता है। और ऐसा कहा भी क्यों ना जाए, ठंड के मौसम में जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो यहाँ का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसी क्रम में ताजा बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर में मौसम का बदलाव पर्यटकों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए खुशी की लहर लेकर आया है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के कारण मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। यहाँ पे स्नोफॉल फुल डे कल था एंड इट वाज ऑसम। इसका कुछ भी मतलब कि कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। और अभी जैसे कि यहाँ पे सरफराज भैया ने हमें पूरा मतलब सुबह उनको हमने फोन करके उठाया, उन्होंने पूरा डल लेक घुमाया। इट वाज लाइक हॉस्पिटैलिटी इनकी इतनी अच्छी थी कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। ओवरऑल जो मेरे को चाहिए था बोलिए तो मेरा ड्रीम कम्प्लीटली यहाँ पे पूरा हुआ है। डल लेक का भी बढ़िया था, यहाँ का हाउस बोट बहुत अच्छा है, लोगों को एक बार तो पक्का से रहना चाहिए यहाँ पे। जहाँ एक ओर पहाड़ी इलाकों में सैर सपाटे के लिए गए सैलानियों के लिए बर्फबारी एक सुखद आनंद से कम नहीं, वहीं दूसरी ओर बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों के रोजगार में भी वृद्धि हो रही है। I enjoyed a lot, ये lifetime experience था मेरे लिए, first time snowfall देखा और डल लेक भी मुझे काफी पसंद आया। कितना enjoy किया? काफी अनलिमिटेड, मतलब इसका हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते इतना किया। तो डल लेक कैसा लगा? डल लेक बहुत अच्छा लगा, काफी क्लीन है और काफी यहाँ के लोग काफी फ्रेंडली हैं, तो काफी एंजॉय किया हमने, काफी अच्छा लगा हमें। सैलानी मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, बर्फबारी के इस यादगार लम्हे को सैलानी अपने कैमरों में भी कैद करते नजर आए। साथ ही कुछ पर्यटकों के लिए बर्फबारी का यह पहला अनुभव साबित हुआ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.